हो या ना हो, हो तो क्या हो, कुछ ना जहा हो, चाचू वहाँ हो। चाचू प्यारे प्यारे चाचू अपनी कार से बिना वजह चिंता जता ले। Don't worry, Chachu. Don't worry, Chachu. Chachu ki soch mahan, toote na aasman. Duniya ki chinta badi hai. अपनी कुछ ना पड़ी है। रहे होशियार सदा घर में हो प्यार सदा सबका ख्याल है रखना। Don't worry, Chachu. Don't worry, Chachu. आयुषी की शादी की जिम्मेदारी मेरी है, तो चिंता कौन करेगा? मैं तो चिंता करूंगा ना, और कौन करेगा? हाँ, लेकिन चिंता करने से लड़का नहीं मिलेगा। तो क्या करने से मिलेगा? ढूंढने से। मैं चिंता नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ चौकन्ना रहता हूँ। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि चेता नर सदा सुखी। ओ चेता नर, तुझे याद है ना तेरी शादी के टाइम क्या गड़बड़ी हुई थी? यहाँ से बारात जा रही है बोरसर बाय रोड, और बाय रोड जाने में ना बहुत टाइम खराब होता है, इसलिए मैंने सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए ना मैंने एक्स्ट्रा टाइम रख छोड़ा है। वैसे तो यहाँ से बोरसर का सफर 8 घंटे का है, और हम वहाँ पे कल दोपहर तक पहुँच जाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन हम आज शाम को निकल रहे हैं। आप तो शाम को आने वाले थे। हमने सोचा था कि हम शाम को पहुँचेंगे, लेकिन एक गधेड़े की बेवकूफी की वजह से हम लोग जल्दी पहुँच गए, सवेरे पहुँच गए। अब रहने का कुछ इंतजाम हो जाए तो है। बेवाई जी, कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ मैं। हाँ, लेकिन तब तक चिंता मत करिए बाबूजी, बस है ना, डोंट वरी। जाने तो जाने। अच्छा, भगाने के लिए गरबा खेलने की क्या जरूरत है? मेरे पास मस्कीटो कॉइल है, एक मिनट करिए निकालता हूँ। बाबू जी इतना काफी रहेगा ना सबके लिए? अरे हाँ भाई, ये नहीं भैया, आरती नहीं हो रही है, आरती नहीं हो रही है। क्या कर डाला? देखो बाबूजी, सारे मच्छर भाग गए। अरे चुप कर, मच्छर क्या, हम भाग कर बाहर आ गए। जाने दो जाने दो। अरे क्या जाने दो है, कैसा आइडिया दिया है तूने? पूरी बस को गैस चैम्बर बनाकर रख दिया, अब कहाँ बैठेंगे हम लोग? बाबू जी डोंट वरी, तंबू है ना? तंबू पीछे से बांध दिया, पीछे जाओ। आप बांध दिया भैया, बांध दिया। आ आ हा, ओए अरे क्या कर रहे चिंतन भाई, क्या तो सोने दो भाई। माँ ये खटिया किसने रखी बीच में? जाने दो जाने दो, मेरी शादी नहीं, जाने दो मैं जाने दो। अरे दूध नहीं आया अभी तक। क्या हुआ बड़ भैया? चिराग, मेरे अंदाजे से ये गाय माता दूध नहीं देगी। अरे देगी, बिल्कुल देगी। चलिए चलिए, चाय भी नहीं है सबको, चलिए। जय गाय माता। कबड्डी 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 कबड्डी। आज चाय रहने दे क्या? कबड्डी कबड्डी डिड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी। चाय होटल से मंगवाते हैं आज। आ,
बाबूजी। कुत्ते ने काटा तो नहीं ना आपको? मुझे तो कुत्ते ने नहीं काटा, लेकिन मैं तुझे जरूर काटूंगा चाचू। बाबूजी मैं तो बस, अरे बस ही तो जल्दी लेकर आया तू 12 घंटे। ना दर्शक का न चाय शरबत का कोई इंतजाम, अरे 2 मिनट रहने की मुसीबत हो गई है इधर। आए चिंता नहीं बाबूजी, चिंता नहीं। अरे वे भाई जी कहाँ है? अरे ड्राइवर को बोलो, ड्राइवर आएगा, ड्राइवर को बुलाओ। हाँ तैयार रहो। वे भाई जी माफ कीजिए, वे भाई जी हम पहले से कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, पर अभी सब तैयार है। रूम में गद्दे लगवा दिए हैं और खाना और शरबत भी तैयार है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाबूजी मेरी शादी? ऐसा मत कहिए वे भाई जी। अरे मेरा मतलब है कि 5 बजने को है, सीधा शादी शुरू करवाओ ना। अरे चलो चलो, टाइम हो गया, चलिए चले चलो, अबे जल्दी करो, चलो चलो चलो। बाबू जी भी बेकार में चिंता बढ़ा देते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं चिंता करता हूँ। ये तो शहनाई की आवाज भी आ रही है। वरवधु फेरों के लिए खड़े हो जाएं। वरवधु फेरों के लिए तैयार है ना? एक मिनट पंडित जी, एक मिनट पंडित जी, 7 फेरों के ऊपर मत करवाइएगा। अरे दूल्हे राजा, फेरे तो 7 ही फेरों के होते हैं, उससे ज्यादा होता ही नहीं। नहीं नहीं, मेरे एक दोस्त की शादी हुई थी, उन लोगों ने 9 फेरे लगा लिए थे। वो क्या है पंडित जी, श्लोक में तो बहुत अच्छे थे लेकिन गणित में कच्चे थे। आप गणित में अच्छी है ना? अरे जी हमारी गणित बहुत अच्छी है, आप फेरे लीजिए। अरे उल्टे फेरे नहीं भाई, इधर से फेरे लीजिए, दूल्हा आगे और दुल्हन पीछे रह जाए। मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी गाच मंगलाय स्तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे। पंडित जी कितने फेरे हुए अभी? 3 3 3 3। नहीं नहीं नहीं, 4 फेरे संपन्न हुए। क्यों रेखा? आप कह रहे हैं तो 4 ही हुए होंगे। तो 4 हो गए, ठीक है। अरे नहीं बड़े भैया, 5 फेरे हो गए। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। सुनिए जी, आप बताइए कितने हुए हैं? ये 4 ही हुए। ये कह रही है 4 तो 4 ही हुए हैं भाई। मैंने कहा था। अरे ये सब बहस छोड़िए पंडित जी, आप फेरे आगे करवाइए, नहीं तो चलता ही रहेगा। जी चलिए फेरे लीजिए। अब सुनिए, 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज, आप लोग गिनिएगा जरूर, ठीक है। अगर संप्रीत अगर प्रतिपात जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो ओम सुखस्य एकदंतस्य। पंडित जी कितने हुए अभी? 5 पूरे। नहीं नहीं नहीं, 6 हुए। अरे नहीं बड़े भैया, 7 फेरे हो गए चाचू, 7 फेरे हो गए, शादी हो गई, मुबारक हो। 5 हुए। अरे बहस की क्या बात है, ये दिनेश भाई है ना, उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की है, उसी में देख लेते हैं। वीडियो वाले भाई चलो आ जाओ, मुझे आ जाओ, तीन चार हाँ हाँ चार चार 5 था मैंने छह मैंने कहा था ना 6 फेरे संपन्न हुए। Don't worry, Chachu. Art. Don't worry, Chachu. No. हे भगवान, 9 फेरे हो गए ये तो। अब क्या होगा बाबूजी? जाने दो। अरे क्या जाने दे, शादी जाने दे। अरे पंडित जी आपने क्या किया? अजी मैं क्या करता, जैसे क्रिकेट का स्कोर पूछा जाता है वैसे ही बार बार पूछ रहे कितने हुए, बस उसी में मैं कंफ्यूज हो गया। वैसे गणित हमारी बहुत अच्छी है। दिख रहा है। अब क्या होगा पंडित जी? अजी बस 2 फेरे उल्टे लेने पड़ेंगे बस। अरे ऐसा भी कभी होता है जी? आज हो जाएगा।
चलो उल्टे लो उल्टे हो चलो पंडित जी कहते ये शादी होगी भी या नहीं अभी चिंता मत करिए शादी हो गई याद आया कैसी महाभारत छिड़ी थी तेरी शादी के वक्त ऐसे तो कई किस्से हैं बेटा सारे सुनाऊं जाने दो जाने दो अरे चिंता छोड़ बेटा आयुषी के लिए लड़का ढूंढने से ज्यादा तेरी चिंता की चिंता है हमें सही कह रहे बाबूजी चाचू हम सब है ना हम सब मिलकर आयुषी के लिए अच्छा लड़का ढूंढ ही लेंगे तू चिंता मत कर आप सब मुझे बताइए कि अगर मैं चिंता ना करूं तो क्या करूं रात भर सो नहीं पाई मैं तुम लोग मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो घर के बारे ठीक से नाश्ता तक नहीं किया मैंने मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं दीदी आइए बैठिए क्या है दीदी गहरी सांस लीजिए अब छोड़िए अब सत्य का सामना कीजिए सत्य कैसा सत्य यही कि आपकी शादी हो चुकी है राजमाता मुझे पता है कि मेरी शादी हो चुकी हमारे कहने का मतलब था कि घर वालों को सच बता दीजिए मतलब सच सच बताना पड़ेगा सच बोलने के बाद से देखो कितना डर गया फेंकू क्या है तुम लोग मजाक क्यों कर रहे हो मैं यहाँ पे सीरियस हूँ मुझे कुछ बताओ ना मैं क्या करूँ मुझे लगता है राजमाता की बात बिल्कुल सही है लगता तो अपन को भी यही है लेकिन मैं सबसे पहले किसे बताऊँ और कैसे बताऊँ बताने के बाद गुस्सा हो गए तो सही बोलती है तू एक काम करते हैं मैं जाके बॉम्ब रख के आती हूँ तू चिंगारी लगा देना मतलब अपुन कौन इस घर का खबरी तेरी शादी हुई है ये खबर अपन सबको बता के आता है और किससे हुई है ये तू बताना बात खलास तो क्या बोलती हाँ आइडिया बुरा नहीं है मतलब पहले से तू अगर बता दे तो मैं खबरी खबरी फेंको रुक माय गॉड सबको पता चल गया तो खबरी यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा और तू क्या करेगी हाँ आयुषी दीदी की शादी का बॉम्ब लेके निकली हूँ कितने फूलो किस पे मैं क्या कह रहा एक बड़ी 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 क्या हुआ फुलाने लगा है समझते क्या है कहा है सारे लोग मुन्नी ए मुन्नी जी बाबूजी बोलिए क्या काम है जा जाके देर से महंगाई खत्म करके आ जा जी बाबूजी आप बस मुन्नी को बदनाम करने के ना मौके ढूंढते रहते हैं अब आपको पता है जो काम कोई नहीं कर सकता अब बस वही काम मुन्नी को दोगे अरे तो फिर पूछती क्यों है कि क्या काम है रोज इस वक्त मुझे हल्दी वाला दूध चाहिए होता है ना भूल गई जी बाबूजी अभी ले आई ज्वालामुखी पहले से फटेला है कोई और पकड़ ढूंढना पड़ेगा पर कौन हरीश परसों जो दवाओं की लिस्ट लिखवाई थी वो दवाएं आ गई है ना हाँ चाचू सेठ आ गया है और तुमने वो एक्सपायरी डेट वाला स्टॉक वापस कर दिया है हाँ दे दिया है भाई गुड लेकिन आज आप लेट क्यों हो गए हरीश सिर्फ दवाओं की एक्सपायरी डेट नहीं होती है बहुत सारी बातों की एक्सपायरी डेट होती है आयुषी की एक्सपायरी डेट मेरा मतलब है आयुषी की शादी की उम्र की एक्सपायरी डेट निकल जाए इससे पहले हमें उसके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा मुझे इस बात की चिंता है तू एक काम कर तू फोन रख दुकान पे ध्यान दे और बातें जरा कम कर इतनी बातें करते हैं तो
चिंता में? अरे यार आयुषी की शादी की चिंता है, 20 साल की हो गई है। चिंता नहीं लेने का चाचू, आयुषी दीदी की शादी ऑलरेडी हो गई है। थैंक गॉड, इट्स अ गुड न्यूज। बाबूजी को बोलता हूँ। ए नहीं, जल्दी भी नहीं थी दूध पीने की। चाचू थोड़ा दूध पी लीजिए, हिचकी चली जाएगी। तुम इतना जो हिचकी चाह रहे हो, क्या गम है जिसको कम नहीं है, कम है। सबकी जबान चिपक जाएगी, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अरे ऐसी भी क्या बात हुई? आयुषी ने ऑलरेडी शादी कर ली। अच्छा? हाँ, ये खबर रायका ने दी है। एक बार न्यूज चैनल वालों की खबर गलत हो सकती है, रायका की नहीं हो सकती। पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, फिर पैरों तले खिसक गई। क्या सीढ़ियाँ? भगवान, जिसकी शादी के लिए पूरा परिवार चिंतित है और वो ऑलरेडी शादी करके बैठी हुई है। ये क्या हुआ, कब हुआ? खबरी ने ये सब कुछ नहीं बताया। अब तुम मुझे ये बताओ कि बाबूजी को कैसे बताएं? वो तो क्या गोली मार देंगे। बाबूजी के पास बंदूक है? नहीं। गोली है? नहीं। तो फिर बाबूजी को ही रजनीकांत थोड़े ना है जो उंगली से गोली चलाएंगे। छोड़िए चिंता, इतनी सीरियस सिचुएशन है पर तुम्हें मजाक सोच रहा है। अरे काई सीरियस सिचुएशन, सब लोग इतने दिनों से पीछे पड़े हैं, आयुषी की शादी करनी है, आयुषी की शादी करनी है। अरे बच्ची ने शादी करके समझदारी का काम करके सबकी परेशानी तो दूर की है ना। तुम पागल हो गई हो क्या? वो लड़का कैसा है, क्या करता है, क्या चाचरण है उसका, वो हमारी आयुषी के लायक है भी कि नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं पता। और बच्ची ने कहीं गलती से कोई गलत जीवन साथी चुन लिया तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। वो ऐसा कैसे कर सकती है? अभी उसे पूछता हूँ। एक मिनट, आयुषी से बात करने से पहले मोटा भाई और भाभी से बात करनी चाहिए। मोटा भाई से कैसे बात कर सकता हूँ, तुम तो जानती हो उनका दिल बहुत बड़ा है। अरे ये तो अच्छी बात है, उनका दिल बड़ा है, आयुषी को जल्दी माफ कर देंगे। अरे भी दिल वैसे बड़ा बड़ा नहीं है, मतलब चिंता में ना उनका दिल फूल जाता है और उनकी उनकी सांसें भी फूल लेना। डोंट वरी चाचू, मैं हूँ ना आपके साथ, हम मिल के बात करेंगे। हा? मोटा भाई एक बड़ी खबर है। अभी भी खबरी ने बताया कि आयुषी ने कर ली। अच्छा, क्या क्या कर ली? अपना वो ये अपना वो शादी कर ली। क्या? ये देश है वीर जवानों का, हल बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। सुनो गौर से दुनिया। सुनी रहे भावना, कब से तुम्हारा गाना सुन रहे हैं और हमको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुम पिछले आधे घंटे से हमें देशभक्ति और जोश से भरे गाने सुना क्यों रही हो? आपका जोश बढ़ाने के लिए, आपको हौसला दिलाने के लिए। जोश आया आपको? आपको आया? तो फिर मुझे भी आया। सुनिए आप बता दीजिए, आप सह पाएंगे? क्या सह लेंगे? मोटा भाई एक बड़ी खबर है।
अभी भी खबरी ने बताया कि आयुषी ने कर ली। अच्छा, क्या क्या कर ली? अपना वो ये हाँ वो शादी कर ली। क्या, क्या? किससे? कौन है लड़का? कहाँ का है? कैसा है? अरे कब की शादी? नहीं। मोटा भाई मुझे पता नहीं, लेकिन खबरी ने इतना बताया कि आयुषी की शादी हो गई है। She's happily married और unhappily married. I have no idea. शांत हो जाओ रेखा, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाओ? खबरी को शादी में बुलाया, अपने माँ बाप को शादी में नहीं बुलाया। नहीं बुलाया को क्यों रो रही हो? चोरी छिपे शादी कर ली, इस बात को रो ना। मोटा भाई किसी बात पे रोए भाभी, आंसू तो वही निकलने वाले हैं ना वॉटर फॉर्म में। हे भगवान, चाचू अब क्या करेंगे? मोटा भाई संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को, चिंता मत कीजिए, दिल दिल में असर होगा। गोरो की ना कालों की दुनिया है दिलवा। तुम गाना गा के मोटा भाई को दिलासा मत दो। मोटा भाई आप चिंता मत कीजिए, चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। अरे लेकिन ऐसे कैसे कर ली उसने शादी? कब की? दिन में की होगी, शाम को तो आयुषी घर से बाहर निकलती नहीं है। अरे रेखा, मेरे पूछने का तात्पर्य है कि कितने दिन पहले की होगी। ये मुझे कैसे पता होगा? तो तुम्हें क्या पता होता है फिर? पता नहीं। बोला भाई शांति शांति। अरे क्या शांति शांति, मेरी बेटी ने शादी कर ली और मैं कहाँ की शादी? मंदिर में की होगी, हमारी बेटी के संस्कार ऐसे नहीं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। हाँ ये भाभी ने बिल्कुल सही कहा। अरे तुम दोनों मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? मोटा भाई अब ये बताइए करना क्या है? चाचू बाबूजी को तो बताना ही पड़ेगा। ये तो मुझे भी पता है, बाबूजी को बताना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बाबूजी से बात करने से पहले हमें आयुषी से बात कर लेनी चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें पहले आयुषी से ही बात करनी चाहिए। दीदी अपन हर जगह बम रख के आयला है, बस अब सब कुछ तेरे ऊपर है। पर दीदी अगर बड़े लोग ने टांगड़ा दिया तो, और ना कह दिया तो जीजू को छोड़ देगी? पागल है क्या? देख दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने प्यार को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। पता भी नहीं हमको कि आयुषी ने जैसे पसंद किया है वो लड़का कैसा है, कौन है? आरती अब बढ़िया म्यूजिक। अम्मो ठीक जाने दे जाने दे। तेरा रमणी, मेरी पोती आयुषी की शादी तुम्हारे पोते के साथ ही होगी।